मुनव्वर राना का एक शेर है कि यूं ही नहीं चलकर ये तर्जने सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन बात तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला बच्चा नेट जैसी परीक्षा को एक तरीके से फतह कर जाता है। जी हाँ, मैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूँ। जून में इस बार हिंदी साहित्य से उत्तीर्ण सोनाली का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ कि जो उन्होंने तैयारी की, ऐसा कहा जाता है एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला बच्चा ही नेट की परीक्षा को पास कर सकता है। इसमें तो 22-22 किताबें पढ़ना पड़ता है, मोटी मोटी ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। तो तुम्हारे मन में क्या था, तुमने क्या पढ़ा, कैसे तैयारी की? क्योंकि कहा जाता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला बच्चा का कुछ नहीं होगा। शुक्ल की किताब हो, नगेंद्र की किताब हो, मोटी मोटी किताबों को समझना रटना पड़ता है, तब जाके परीक्षा पास की जाती है। तुम्हारा इस पर क्या राय है, तुमने कैसे तैयारी की? ऐसा कुछ भी नहीं है जो 22 मतलब किताब पढ़ेगी वही पास करेगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक दृष्टि बुक पढ़ के और एक गोविंद पांडे में बस थोड़ा बहुत पढ़ के और बस इतना ही से मेरा ये सफलता हासिल हो गया। पूरा सिलेबस पे कवर मेरा रहा, मतलब कि क्या बोलते हैं, हिंदी साहित्य पे मतलब सबसे ज़्यादा मेरा कवर है, और उसके बाद यूनिट 5 से 10 तक सबसे ज़्यादा फोकस किए और इतना ही में हो गया। आपको पता होगा जो हिंदी साहित्य के बच्चे हैं कि जो यूनिट 1 से लेकर 4 तक बेसिक है और जो सिलेबस का हिस्सा है, और उसके बाद 5 यूनिट से लेकर 10 तक जो है जो सिलेबस में रचना है वो शामिल है। तो ये जो 10 यूनिट है उसको आपने कैसे तैयार किया? शुरुआती के दौर में सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में मेरा बहुत अच्छा पकड़ है और आज भी है। जो शुरुआती 4 यूनिट है वो बेसिक है, हिंदी भाषा का इतिहास यूनिट 1 में, 2 में साहित्य का इतिहास, 3 में काव्यशास्त्र है, 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि है, 5वां में आपका कविता आ गया, जो 22 कविता कवियों को शामिल किया गया है, उसके बाद उपन्यास कहानी इसी तरह से। यूनिट 6 में उपन्यास है, 7 में कहानी है, 8 में नाटक है, और 9 में निबंध है, और 10 में अनविधा है। तो मतलब कि यूनिट 5 से लेकर 10 तक जिसका मतलब पकड़ सबसे बेस्ट रहेगा वो मतलब कि प्रथम बार में मतलब कि क्या बोलते हैं ये पात्रता परीक्षा को मतलब सफलता कर सकता है, और क्या बोलते हैं हिंदी साहित्य पे उसका फोकस सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। ये मैं दर्शकों को या जो वीडियो देख रहे हैं उनको बताते चलूं कि कुछ नंबर से इनका JRF रुक गया, लेकिन अच्छा इन्होंने मेहनत किया, मेहनती है इसमें कोई शक नहीं है। और चूंकि इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूं कि एक गांव से निकला हुआ बच्चा अपने तर्कस से तीर निकाल कर किसी परीक्षा को मात दे देता है, वो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात दिखाई देती है। तो जैसे कि आप तैयारी कर रहे थे, मानकर चलिए कि तैयारी के दौरान तो लगा होगा कि जब क्या जो है एक तरीके से परेशानी झेलना पड़ा कि परीक्षा पास करेंगे या नहीं करेंगे, किताब जो है दृष्टि का पढ़ रहे हैं उससे आएगा कि नहीं आएगा, ये सब तो मन में चलता होगा? नहीं, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास था इसको इस परीक्षा को मतलब कि पास कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं से दूसरे बार एग्जाम दिए तो फर्स्ट हिंदी मेरा अच्छा ही रहा, फर्स्ट पेपर ने हमको पीछा कर दिया, लेकिन फिर हम भी मतलब कि अपने अंदर फिर मतलब कि आत्मविश्वास मतलब कि हमको हुआ से नहीं, फिर हम कोशिश करेंगे तो ये परीक्षा जरूर पास करेंगे। और तृतीय बार में मेरा मतलब कि ऐसा हुआ कि हमने टूटिन किए, और मतलब कि ऐसा जुनून मेरे अंदर है से मैं दिसंबर में JRF जरूर हासिल करूँगी। अच्छा, ये एक तरीके से दुआ भी है भगवान का और मेरा भी कि आप जो है JRF निश्चित तौर पर उत्तीर्ण करें। मैं आपको बताते चलूं कि जितने भी बच्चे जिस विषय में बैठते हैं नेट की परीक्षा में, 7% उसका रिजल्ट होता है और 1% JRF होता है। यानी कि अगर 100 बच्चा किसी विषय में बैठ रहा है परीक्षा में तो 7 जो बच्चा है उसका नेट होगा और 1 बच्चा का JRF होगा। ये चीज़ें जानना सभी जो प्रतियोगी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको जानना जरूरी है। अब मानकर चलिए जैसे कि आप तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी करना तो एक तरीके से काफ़ी दुष्कर है और कहाँ से प्रश्न आएगा नहीं आएगा, तमाम तरह की बातें हैं। तो ऐसा कोई मार्गदर्शक या किसी के गाइड में आप तैयारी किए या किसी ने आपको जो है सही राह दिखाया, ऐसे कोई शिक्षक सीनियर? हाँ, वो यहीं के हिंदी विभाग के ही शिक्षक थे, डॉक्टर अखिलेश कुमार। वो मुझे बहुत बहुत मार्गदर्शन किए शुरू में ही हिंदी विभाग में। अगर जैसे कि मेरा नेट हुआ है, एक और स्टूडेंट का नेट हुआ है, मेरे ही विभाग की जो मेरे ही क्लास की शिवानी है उसका JRF हुआ है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदी विभाग में नेट का माहौल बनाना मतलब कि वही मतलब कि प्रोफेसर यहीं के थे डॉक्टर अखिलेश कुमार, वो सब कुछ मतलब कि स्टूडेंट के पास ऐसा जुनून, वो मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही ऐसा मतलब कि सबके अंदर ऐसा जुनून भरे सब स्टूडेंट में ऐसा प्रतिभा आया हम नेट उत्तीर्ण कर सकते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर से ही अधिकतर स्टूडेंट नेट का एग्जाम दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये तो एक तरीके से नेट का जो माहौल आधार तैयार किया उनका बहुत बड़ा योगदान है वहाँ। अच्छा, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 की बात है, बच्चे परसेंटाइल उतना अच्छे से अपना एक मिनट शांत रहो ना बच्चे परसेंटाइल उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उनको ये पता रहता है कि जैसे कि 100 प्रश्न उस विषय से संबंधित है, जैसे हिंदी साहित्य में 100 प्रश्न आ रहा है और 50 प्रश्न पेपर 1 से आता है, तो बच्चे ये समझते हैं कि कितना सही करना है। तो तुमने जो है हिंदी साहित्य का कितना प्रश्न सही किया था? हिंदी में मेरा 70 सही था। और अच्छा, जैसे पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया या यूट्यूब है तो इन सब चीज़ों का कोई मदद तुमने लिया? हाँ, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे क्लास देखे और वो भी फायदा हुआ। तो यूट्यूब से ज़्यादा फायदा हो सकता है या किताबों से ज़्यादा फायदा हो सकता है, या दोनों का संतुलन होना चाहिए? क्योंकि कई टीचर तो आ रहे हैं कुछ से कुछ बोल रहे हैं और
मतलब रिजल्ट बहुत कम है, लेकिन हवा हवाई जो एक माहौल बनाते हैं जहाँ की बच्चों का ज़्यादा समय बर्बाद होता है, फ़ायदा कम होता है यूट्यूब पे, तो तुमने कैसे संतुलन बनाया? ऐसा कुछ नहीं, ऐसे जो स्टूडेंट 12 घंटा 16 घंटा पढ़े वही नेट पास कर सकता है, 2 घंटा भी पढ़े अगर एक दिन और अच्छे से पढ़े और मतलब एकदम सिर्फ किताब को पढ़े और एकदम ध्यान से पढ़े और हाँ यूट्यूब से थोड़ा बहुत ले सकते हैं मतलब किसी सहायता, तो फिर ऐसा कौन सा चैनल है जो हिंदी में सहायता दे सकता है? भाषमी एकेडमी, उससे भी मतलब कि बहुत हमको फ़ायदा मिला। और जैसे कि अनएकेडमी के चैनल फर्स्ट पेपर के लिए पार्थ एजुकेशन बहुत अच्छा चैनल है, मुझे पता नहीं था अगर उस चैनल से अगर पढ़ते तो और ज़्यादा फर्स्ट पेपर अच्छा जाता। इस बार दिसंबर 2023 में जो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उसके लिए तुम क्या सलाह दोगी अगर कोई बच्चा हिंदी साहित्य से है? मैं यही कहूँगी से वो दृष्टि को एकदम फोकस के साथ पढ़े और एकदम मतलब कि फर्स्ट पेपर को इग्नोर ना करें, फर्स्ट पेपर अगर इग्नोर करते हैं तो उसका जीआरएफ होने की चांस बिल्कुल नहीं है। सोनाली की बातों को समझने के बाद हम ये मोटा मोटी कह सकते हैं कि जो तथाकथित लोग डरा देते हैं नेट की परीक्षाओं को लेकर, रुको एक मिनट, जो तथाकथित टीचर यूट्यूब पे लोग और भी टीचर डरा देते हैं नेट की परीक्षा में इतना पढ़ना पड़ता है, 22-22 किताबों को पढ़ना पड़ता है, नगेंद्र को पढ़ना पड़ता है, बच्चन सिंह को पढ़ना पड़ता है, ये जरूरी हो सकता है ज्ञान के लिए, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए 2-3 किताब जैसे कि अरिहंत का है, दृष्टि का है, उनको पढ़कर 70-75 जो है प्रश्न सही किया जा सकता है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। पढ़ना अधिक जरूरी नहीं है बल्कि कम पढ़ें, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो याद होना चाहिए, इसकी बातों का सार यही है। और सब सोनाली को बहुत बहुत बधाई, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पहला कदम है ये परीक्षा और उम्मीद करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो और दिसंबर में ये JRF लाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और यूट्यूब पर आप दर्शन सुधाकर.com पर इस इंटरव्यू को देख रहे थे, धन्यवाद।